पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले रावण के वंशज हैं श्री राम। एक धर्म और समुदाय के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। सभी को खुशी मनानी चाहिए। ये बात शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कही। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के बड़ी संख्या में लोग आगामी 22 जनवरी को अपने अपने घरों पर दीपक जलाकर बड़ी दीपावली मनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों से 22 जनवरी को दिवाली मनाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। देखिए, अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ये पूरे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि भगवान राम सभी समाज के हैं। किसी भी समुदाय के लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश के बाद वहाँ बना है और होने वाला है, इसीलिए यहाँ किसी को कोई ना शिकायत है। और मैं समझ रहा हूँ और मेरी अपील भी है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की है कि देश के 140 करोड़ लोग देशवासी सभी उस दिन अपने घरों पर दीप जलाएं, दिवाली मनाएं, तो मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसी प्रकार का देशवासियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने सभी को एक समान समझा है और इसीलिए मेरा भी सभी अपने अल्पसंख्यक भाइयों से ये अपील है कि 22 तारीख को अपने घरों में दीप जलाएं और दिवाली मनाएं और वहां से हम लोग एक नई शुरुआत करें अपने जीवन की। पुरानी चीज़ों को भूलकर हम सबको एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ, जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे मुल्क की, उस तहजीब को हम आगे बढ़ाते हुए मुल्क की तरक्की में, मुल्क की खुशहाली में अपना योगदान दें। सर, 22 तारीख को सर सभी स्कूलों को सजाने के लिए कहा गया है, क्या मदरसों को भी सजाया जाएगा? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी देश के 140 करोड़ लोगों देशवासियों के लिए अपील की है, न कि मदरसे या स्कूल के लिए। तो मैं समझता हूँ इसमें मुल्क के सभी शिक्षण संस्थान, चाहे वो मदरसे हों या जो भी हों, वहाँ पर आप दीप नहीं जला सकते तो मोमबत्ती जलाइए। एक खुशी का माहौल होना चाहिए कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान जो था वो हो गया, भाईचारे के साथ हो गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मैं बधाई देता हूँ इस देश के मुसलमानों को भी कि जिन्होंने उसको माना। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।